जी हाँ दोस्तों, कहा जाता है कि अगर खुद की काबिलियत पर भरोसा हो तो हम क्या कुछ नहीं कर सकते। भले से ही हम कई बार अपने बढ़ाए हुए कदम को पीछे ले लेते हैं इस बात को लेकर कि लोग क्या कहेंगे या फिर आगे क्या होगा या हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं था सुशांत सिंह के साथ। सुशांत सिंह के बारे में हम जो आपको बात बताने वाले हैं वो आपने कई बार सुनी होगी, लेकिन जिस तरीके से जिस प्रकार से हम आपको बताएंगे वो आपको काफ़ी पसंद आएगी। 2003 में दिल्ली इंजीनियरिंग कॉलेज की प्रवेश परीक्षा में उनकी ऑल इंडिया 7th रैंक आई थी। जी हाँ दोस्तों, एंट्री में जो उनका हुआ था 7th रैंक आई थी, ये अपने आप में ही बहुत ही काबिलियत वाली बात थी जो सुशांत के अंदर थी। यही नहीं, उन्हें कैलिफोर्निया की प्रतिष्ठा स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप भी मिली थी। सुशांत ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू भी की थी, लेकिन कोर्स ख़त्म होकर डिग्री मिलती उससे पहले ही उनका सपना बदल गया था। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी फील्ड में काम कर रहे होते हैं, अचानक से लगता है कि नहीं यार, हम इसके लिए नहीं बने, ये हमारे लिए नहीं है, हम दूसरी जगह पर काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। तो तुरंत ही वो अपने माइंडसेट को चेंज करते व्यक्ति कई बार कदम उठाता है, लेकिन कई बार पीछे कर लेता है। लेकिन सुशांत अपनी काबिलियत पर भरोसा करते थे और उन्होंने कदम आगे बढ़ाया। अब आप एक फील्ड में करियर बनाने को सोचते हैं और फिर लगता है कि किसी और फील्ड में बेहतर करेंगे, तो उस रास्ते पर चल देते हैं। जो लोग आज ये कह रहे हैं कि सुशांत में मजबूत इच्छा शक्ति की कमी थी, यानी कि डिप्रेशन की वजह बताई जा रही है और वह अपने कठिन हालातों से नहीं जूझ पाए, ये बात कई लोगों ने दावा किया, लेकिन हम इस बात से ये पुष्टि करते हैं कि सुशांत सिंह के अंदर मजबूत इच्छा शक्ति थी। वो कुछ भी करने के लिए तैयार रहते थे, हर माइंड सेट के साथ जीते थे वो। उन्हें इस बात पर गौर करना चाहिए कि अपनी इच्छा शक्ति के दम पर ही उन्होंने छात्र यानी स्टूडेंट लाइफ में इतना बड़ा फैसला लिया कि इंजीनियरिंग बनकर यानी इंजीनियर बनकर एक सेफ नौकरी जो कि उनकी हमेशा परमानेंट रहती, उसके बजाय एक्टिंग की दुनिया में एंट्री की, जहां पर उनका कोई गॉडफादर नहीं था, जहां सब कुछ अनिश्चित होता है। सुशांत का टीवी या फिल्म की दुनिया से कोई कनेक्शन नहीं था, वो एक नौकरी पेशा परिवार से आए थे जहां अच्छी नौकरी पाना ही सबसे बड़ा सपना होता है। उस सुरक्षा की भावना को छोड़कर एक्टिंग में करियर बनाने का रिस्क वही ले सकता है जिसे खुद की काबिलियत पर विश्वास हो। सुशांत को विश्वास था, सुशांत ने एक्टर बनने के लिए खूब मेहनत की, डांस क्लासेस से लेकर एक्टिंग सीखने तक सारी चीज़ की, टीवी इंडस्ट्रीज में नाम कमाया, आगे बढ़ते गए, फिल्में मिली। पहली ही फिल्म से ये साबित कर दिया कि उन्हें जो भी अवसर मिलेगा वो टैलेंट की बदौलत मिलेंगे, क्योंकि उनकी कोई गॉडफादर तो है नहीं, तो टैलेंट के दम पे सुशांत अभी तक गुजारा कर रहे थे। लेकिन आखिर कब तक, क्योंकि कई लोगों की निगाहें अब उनकी उस काबिलियत पर ही थी। तो क्या हो सकता है इसके पीछे की वजह क्या, सचमुच बॉलीवुड इंडस्ट्रीज और नेपोटिज्म विवाद डिप्रेशन सब उनका इंडस्ट्रीज की वजह से ही आया था या फिर पर्सनल रिलेशनशिप? कमेंट्स करके बताइएगा कैसी लगी आपको ये सुशांत सिंह की मोटिवेशनल स्टोरी, बताइएगा राय अपनी। धन्यवाद दोस्तों।